ऑल आइज ऑन रफा नहीं, ऑल आइज ऑन पीओके। बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव का ऐसा कहना है। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव ने 28 मई को वीडियो पोस्ट करके संकेत दिया था कि वो यूट्यूबर ध्रुव राठी पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। दोनों के फैंस को वीडियो का इंतजार भी था। इन दिनों स्वाति मालेवाल मामले में ध्रुव राठी का नाम भी कई बार उछल चुका है, मगर एल्विश ने फिलहाल ध्रुव राठी नहीं बल्कि बॉलीवुड की उन हस्तियों को निशाने पर लिया जिन्होंने सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा पोस्ट शेयर किया था। दरअसल गाजा के रफा शहर में 26 मई को हुए इसराइली हवाई हमले में कम से कम 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 110 से ज़्यादा लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। विस्थापित फिलिस्तीनियों के कैंप पर हुए इस हवाई हमले में मरने वालों में काफ़ी संख्या में बच्चे और महिलाएँ भी शामिल थीं। इसराइल की तरफ से किए गए इन हमलों के बाद सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड होने लगा। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तक ने ऑल आइज ऑन रफा को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। इसके बाद यूट्यूबर एल्विश यादव ने पीओके के समर्थन में पोस्ट किया, जो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। एल्विश ने अपने पोस्ट में ऑल आइज ऑन रफा को एडिट करके फोटो पर ऑल आइज ऑन पीओके लिख अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, मैं किसी भी धर्म के लोगों की हत्या की निंदा करता हूँ, फिर भी मेरी नज़र पीओके पर है। इस पोस्ट के तुरंत बाद ही एल्विश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड करने लगे और उनके पोस्ट के ऊपर तुरंत ही लोगों के रिएक्शंस भी आने लगे। एक यूज़र ने लिखा, एल्विश भाई ने बॉलीवुड की टूलकिट गैंग को आईना दिखा दिया। दूसरे यूज़र ने लिखा, आप सच्चे इन्फ्लुएंसर हो, आप पर गर्व है। एक अन्य यूज़र ने लिखा, एल्विश निडर हैं, तभी वो भीड़ में भी स्टैंड आउट करते हैं। आपको बताते चले कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ ने सोशल मीडिया पर गाजा के समर्थन में पोस्ट किया था। इसमें समांथा रूद प्रभु के अलावा राधिका आप्टे, गौहर खान, दिया मिर्जा, वरुण धवन, सोनम कपूर, नकुल मेहता, एमी जैक्सन और स्वरा भास्कर का भी नाम शामिल है। स्वरा भास्कर ने गाजा के समर्थन में कई स्टोरी शेयर की। स्वरा ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमसे उम्मीद करती है कि टेंट में बच्चों को मार दिए जाने और जलाने पर हम एक संतुलित बयान दें। जिन श्वेत मर्दों और महिलाओं या लोगों ने ये किया, इसे फंड किया, इसका समर्थन किया और इसे सामान्य बनाने के लिए एक नैरेटिव बनाया और जश्न मनाया, उनके लिए मेरे दिल में सिर्फ श्राप है। ऐसे लोगों की जिंदगी हमेशा इन बच्चों की चीख से परेशान होती रहे, एक पल की भी शांति ना मिले। एक्टर फातिमा सना शेख ने रफा पर हमले की खबर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, रफा में बच्चों के सिर कटे हुए डरावने वीडियोस को देखा, अब और कोई इससे नजरें नहीं फेर सकता है, इसका अंत कब होगा। इसके अलावा सानिया मिर्जा और क्रिकेटर रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेही ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट शेयर किए। हालांकि रितिका की इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें और रोहित शर्मा को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद रितिका को स्टोरी हटानी पड़ी। आपको बताते चलें कि रफा पर यह हमला तब हुआ जब 24 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को आदेश दिया था कि वो रफा में अपने सैन्य ऑपरेशन को बंद करें। एक अनुमान के मुताबिक रफा में करीब 10 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। आईसीजे ने कहा था कि मानवीय सहायता के लिए मिस्र के साथ लगने वाली सीमाओं को खोला जाए। ये भी कहा गया था कि इसराइल एक महीने के भीतर रिपोर्ट जमा करे कि उसने आज के फैसले पर क्या कदम उठाए हैं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी रविराज। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव, आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।